यह है डॉक्टर साहब, जो खुद बीमार हो वो दूसरों को क्या शिफा पहुंचा सकता है। बहरहाल उसको बीमारों की तकलीफ का एहसास तो होगा, आप इसके सबूत हैं राय साहब। हम गुनाहगारों के लिए क्या सफाई और क्या सबूत। नन्ना कैसा है बहन? अब तो अच्छा है सरकार। अच्छा है ना? मैनेजर साहब बच्चे को बिस्कुट दे दो। हाँ हाँ, लो भाई। ये कैसे हो भाई? ठीक हूँ हजूर, पर वक्त नहीं करता। कुछ पढ़े लिखे हो? थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ा हूँ। पढ़ लेते हो ना? जी। उस वक्त राय जी इन उर्दू की किताब दे दो। शुक्रिया जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तशरीफ लाइए। भैया अब तो चल सकते हो ना? जी हजूर चल सकता हूँ। चुप क्यों हो गए? कहो। जब मैं अच्छा था अपनी माँ को हर महीने 15 रुपए भेजा करता था मालिक। 15 रुपए? कोई बात नहीं। उल्फत राय इन्हें 15 रुपए आठ आने दे दो। जो हुकुम। राय साहब किसी किसी मरीज को कुछ भी देकर खुश नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर साहब ये लेना देना तो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है, वरना मैं क्या दूंगा और कितनों को दूंगा। 12 नंबर बहुत सीरियस है। माफ कीजिए। चलिए चलिए। जहाँ हम सैर करने आया करते थे। जी वही जगह हुजूर। समझे कि नहीं? क्या बात थी मेरा सिंह? कुछ नहीं, गड्ढा था।
चलो तो फिर चलो जल्दी से। अरे हाँ सुना तुमने? क्या गाना? फिर बड़ी मीठी आवाज थी। मीठी आवाज है तो क्या घोलकर पियोगे? जाने कौन गा रहा था, कोई होगा यार समझे कि नहीं। चलो जी मिला सिंह। बड़ी बाहर आई हुई है तुम्हारे बागीचे में? जी नहीं बाहर के है सर, आंखें अच्छी हो गई। अपने गुलामों को पहचान लो बाबू, आपकी आंखों के लिए बहुत देवी देवता मनाए हैं इन्होंने। अच्छे भवानी बहुत अच्छा हूँ सरकार। अरे गाड़ी से सामान उतरवाओ भाई। अरे देखो हमारा सामान मत उतारना, हम अपने घर जाएंगे, समझे क्या? नहीं अशोक आगे बेटा आगे, आंखें अच्छी होगी बेटा, जीते रहो जीते रहो। तुम मेरी दौलत उस डॉक्टर के कदमों पर क्यों न लुटा आया? अरे उस डॉक्टर को तार देकर बुलवा लो, मैं उसके पाँव की धूल अपने माथे पे लगाऊंगा। तुम बड़ी पसंद आई बेटा। ऐसी अजीब जगह है बाबूजी, कि जो चीज देख ले वो देखता ही रह जाए, जब तक ही बन जाती है। में मेरी किस्मत जागी, आज मैं तुम्हारी जुबान से देखने और टिकटिकी लगाने की बात सुन रहा हूँ और अपने कानों से। अशोक जी जी कोई बात नहीं, मैं तो कहता था कि अशोक बंबई से आके ठीक करा कर ही लौटेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब। जीते रहो बेटा। माफ कीजिएगा मेरा ख्याल पिताजी की तरफ था। अरे भाई कोई बात नहीं, पहले पिताजी फिर कोई और। अच्छा जरा सुनाओ तो सही क्या क्या हुआ? जी ट्रेन में नींद नहीं आई डॉक्टर साहब, जरा आराम कर लो फिर दर्शन करूंगा। हाँ जरूर जरूर आराम करो बेटा, जाओ फिर बैठ के बातें करेंगे। जाओ 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 आराम करो। डॉक्टर साहब अशोक की आंखें ठीक हो गई। जी कोई बात नहीं। हरी जी बात सुन रहा हूँ। अच्छा राय साहब तो मुझे इजाजत दीजिए। मैं मशहूर हूँ डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, शाम को आइएगा बातें करेंगे। जी बेहतर। हरी मेरे साथ आओ बेटा, मेरे साथ आओ। बाबू आंखें अच्छी नहीं हुई बाबू। मेरा बच्चा ऊपर अंधा ही बैठा हुआ है, नादानों मुझे बुढ़ापे में जान देने दो, मैं बर्दाश्त हूँ। जी भवानी उल्फत है, उल्फत है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। समझे कहीं? लड़की कमला और उसकी माँ अरसे से आबो हवा की तब्दीली की जरूरत महसूस कर रही है। इस महीने के आखिर तक किसी भी दिन आपकी सेवा में आ पहुंचेंगे। सुना बेटा? जी। तुम तो जानते ही हो कि लाला बालमुकंद मेरे बचपन के दोस्त हैं। क्यों भवानी? उस वक्त मैं भी बच्चा ही था सरकार, चमकदार टोपी पहनता था। जब तुम्हारी आंखें अच्छी थी बेटा, तुम्हारी माँ ने इन लाला बालमुकंद की घरवाली से वादा किया था कि तुम्हारी शादी उनकी लड़की से की जाएगी। जी अबला रानी तो बहुत खेली है बाबू के साथ, फिर जाती थी बात बात में तो समझाना मुश्किल हो जाता। अब वो लड़की MBBS पास हो गई है। बेटा घर दर सब कुछ बहुत अच्छा है। जी मालूम है मुझे, तो मैं उनसे जिक्र करूं? इतनी जल्दी क्या है बाबूजी? बेटा मैं बदनसीब आदमी हूँ, मेरे जीते जी तुम्हारी आंखें गई, इसके सदमे से तुम्हारी माँ मरी और उसके सदमे से तुम्हारी बहन मरी किरण। अब मुझे सदमे उठाने की हिम्मत नहीं बेटा, यूं ही किसी दिन बुलबुला सा फूट कर रह जाऊंगा। बाबू जी इन बालमुकुंद जी को मालूम तो होगा ही? हाँ हाँ मालूम है बेटा। कैसे करेंगे? ये उनकी शराफत और हिम्मत की बात है बेटा, ये उनकी मेहरबानी है हम पर।
हमदर्दी तो मुझे सबके बिना मांगे ही मिल जाती है। चाय पियो बेटा, चाय पियो। नहीं बाबू जी, इसमें हमदर्दी की क्या बात है अशोक? बेटी वाले तो चार चार आंखों से लड़का देखकर पसंद किया करते हैं। मालूम नहीं, चार चार आंखों से देखकर भी वो बिना आंख वाले को क्यों पसंद कर रहे हैं। जब वो कर ही रहे हैं तो तुम्हें क्या? मैंने अंधे कभी सुने नहीं शादी करते हुए, और न अंधों के साथ किसी को शादी करते हुए सुना। कोई अंधा अगर ऐसा अरमान रखता भी हो तो जरा जाती है। जरा सोच के बात करो बेटा। कौन है? भवानी। गाड़ी तैयार है हुजूर। सोचूंगा बाबूजी, मैं जरा घुमाऊं। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैं चला जाऊंगा, खूब जानी पहचानी जगह है। कई महीने के बाद तो आप आ रहे हैं तो? 3 महीने में पहले से ज्यादा अंधा तो नहीं हुआ हूँ जी। तुम गाड़ी हरी बाबू के पास ले जाओ और उनका काम खत्म होने पर इसी जगह आकर ठहरना। जो हुक्म। दिखाई नहीं देता। कौन हो तुम? वो तो आदमी है। आदमी तो हो, मगर हो कौन? देखने से कौन मालूम होता? कोई बड़े आदमी मालूम होते हो। आदमी बड़े कैसे होते? खराब, बिल्कुल। ये तुम कैसे जानती है? दादा सब बतलाते रहते हैं मुझे। उनका कहना है बड़े आदमी से दूर रहना चाहिए, ये बड़े खराब होते हैं। मैं बड़ा आदमी भी नहीं हूँ और खराब भी नहीं हूँ, एक गरीब अंधा हूँ। गरीब हो तुम? वैसे तो बड़े शौकीन दिखते हो। कैसे? रंग बिरंगे टुकड़े जोड़कर कोट सिलवाया, पर है लॉर्ड कॉलर का। क्या काम करते हो? अंधे क्या किया करते हैं? गाते हैं, बजाते हैं। गवैये हो? नहीं, मैं तो ये मूर्तियां होती ना मिट्टी की, ये बनाता हूँ। झूठ बोलते हो, अंधे कहीं मूर्ति बनाते हैं? अच्छा, तुम खराब नहीं हो तो दूसरे के बाग में कैसे घुसा है बिना पूछे ही? मैं तो यहाँ हमेशा इसी तरह आता रहा हूँ। अच्छा, क्यों? ये कोई हवाखोरी का बाग थोड़ी है। मगर तुम कौन हो पूछने वाली? मैं यहाँ की मालिक हूँ, मेरा है ये बाग। मैं यहाँ सिर्फ हवाखोरी के लिए नहीं आता हूँ रानी, मैं तो तुम्हारे राज में थोड़ी देर के लिए ये भूलने आया करता हूँ कि मैं अंधा हूं। और भूल जाते हो? सचमुच? हाँ, भूल जाता हूं। तुम्हारे बाग की इस खामोशी में थोड़ी देर के लिए मैं अपना अंधापन और अंधेपन की वजह से आई हुई गरीबी को बिल्कुल भूल जाता हूं, बड़ा आदमी बन जाता हूं। तुम चाह तो खराब भी कह सकती हो। सुन रही हो ना? कहाँ हो तुम? सुन रही हूँ, मगर मैंने तो तुम्हें यहाँ आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं इलाज कराने की उम्मीद से बाहर गया हुआ था रानी।
रानी नहीं हूँ मैं, मालन हूँ मैं तो। तो इन चार महीनों के अंदर ही तुम ही आई होगी? हाँ, मेरे दादा ने ठेका लिया इस बाग का। तो इलाज नहीं हुआ आंखों का? नहीं हुआ रानी। दादा ठीक कहा करते हैं, गरीबों को कौन पूछता है दुनिया में। अगर तुम अमीर होती तो हो जाता। अगर हो जाता तो तुम मुझे खराब समझ कर यहाँ बैठने भी न देती। यहाँ तो मैं तुम्हें अभी नहीं बैठने दूंगी। क्यों, कुछ नुकसान हो रहा तुम्हारा? ये तो मेरी भजन करने की जगह है और तुम तो मेरी देवता की जगह पर ही आ बैठे। चलो उठो उठो उठो, ये लो अपनी बंसरी। मैं तुम्हारा भजन सुनने लगा था रानी। तुम मुझे रानी क्यों कहते हो जब मैं मालन हूँ? तुम बहुत अच्छा गाती हो। कल भी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, वो आवाज मेरे कानों में गूंजती ही रह गई। तुम फिर गाओगी? अब कल गाऊंगी इसी वक्त। मुझे आने से रोकोगी तो नहीं? आ जाना, मेरा क्या नुकसान है। अच्छा रानी। मैं रानी नहीं हूँ, मेरा नाम जमुना है। जमुना? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरी। ये लो, ले जाओ इसे, सुनते चले जाना। Thank you.
आ गए बाबू? कल रात मुझे नींद नहीं आई रानी। तुम तो आज भी मुझे रानी कहते हो? मैं अब तुम्हें रानी ही कहा करूंगा। तुम्हारी खुशी तुम्हारी नहीं है। नींद क्यों नहीं आई? मैं रात भर तुम्हें सपने में देखता रहा। तुम कई कई सूरतें लेकर मेरे सामने आई। मैं ये फैसला न कर सका कि तुम असल में कैसी हो। मैं अंधा हूं ना रानी। ये बात मुझसे न कहो बाबू, दुख होता। रानी? हाँ? ये हमारे चारों तरफ की दुनिया कैसी है? अच्छी, बहुत सुंदर है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की तरफ बाहें फैलाए झूम रही है। नाजुक नाजुक बेलें उनसे लिपटी हुई है। हरी हरी डालियों पर लाल नीले पीले फूल जड़े हुए हैं। बाबू, तुमने ये दुनिया क्या कभी नहीं देखी? देखी थी रानी, मैंने इस दुनिया का सिर्फ बचपन देखा था, फिर अंधेरा छा गया। मालूम नहीं ये कभी जवान हुई या नहीं। अच्छा देखो बाबू, मैं जल्दी जल्दी फूल तोड़े लेती हूँ, नहीं तो दादा को शहर जाने में देर हो जाएगी। तुम यहीं बैठे रहना। हाँ, मैं यहाँ क्यों बैठा रहूँ? फूल ना तोड़वाओ तुम्हारे लिए। तुम कैसे पहचानोगे कि मुझे कौन से फूल चाहिए? तुम एक फूल मेरे हाथ में दे देना, फिर मैं वही फूल तोड़ूंगा। छू कर पहचान लोगे? जरूर। अच्छा देखो, आ गई तो आ गई। अगर ने भैया मत गई राम सुखाई, नगरी में भैया मच गई। ये क्या हो रहा है दादा? क्या वहाँ तक आ रही है जले हुए आटे की? किसने कहा था तुमसे रोटी बनाने? जब तू इतने इतने देर से घर आएगी तो रोटी तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। दोपहर को बाजार में पहुँचूंगा तो कौन खरीदेगा मुझसे फूल? कोयला कर दिया रोटी का, ऐसा तो वो भी नहीं करता होगा। कौन? हरी। हरी कौन? वही बंसी वाला हरी। ओहो, वो अंधा भी आया था? वो क्या आया था ना? अभी आने लगा ये कहीं? नहीं, वो तो हमारे यहाँ आने से पहले भी आया करता था। अच्छा, और अब रोज आया करेगा। वो बहुत अच्छा आदमी है दादा। बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। देखो ना, आज इतने सारे फूल उसी ने तुड़वाए हैं मिलकर। अंधे ने? ये देखो, वो छू कर फूल पहचान लेता है दादा। कमाल है बस। माया है परमात्मा की। मूरत बनाता है वो भी छूकर। अच्छा, चाहे किसी की बनवा लो। और क्या, अंधा का तो लगता ही नहीं बिल्कुल। अभी कहीं कोई मकर फरेब तो नहीं कर रहा तुझसे? तुम भी दादा ऐसी बात कह देते हो। ना, कहीं कोई गांठ का पूरा आंखों का अंधा बनकर तो नहीं आ गया कहीं से? तू ठहरी भोली, तुम खुद ही देख लेना। हाँ जरूर देखूंगा। अरे जम्मू बेटा, चिलम तो भर कर ला दे। अब रहने तो चिलम मिला, उठो अब मैं रोटी बनाती। अभी छोड़, मैं बना देता। उठो अब, बड़ी देर हो गई, उठो। अच्छा, तो बड़ी रोटियां जलाई है आज तो, कल से बनाना। अच्छा तो तू ही बना ले, अब कब तक बनाएगी? किसी सूरत लगी दिल की बहल जाए तो अच्छा हो, तमन्ना एक नए सांचे में ढल जाए तो अच्छा हो। मेरे दिल की
नजर को ठोक रे खाना नहीं आता, अंधेरे बढ़ रहे हैं शम्मा जल जाए तो अच्छा हो, किसी सूरत लगी दिल की बहल जाए तो अच्छा हो। कहाँ तक है किनारे होश के हम भी जरा देखें, हम भी जरा देखें समंदर आरज़ूओं का मचल जाए तो अच्छा हो, तमन्ना एक नए सांचे में ढल जाए तो अच्छा हो। इस मिट्टी के बुत को धड़कने दे दे मोहब्बत की, मेरी दुनिया नई करवट बदल जाए अच्छा हो, किसी सूरत लगी दिल की बहल जाए तो अच्छा हो। कीमत कौन देगा रानी? क्यों? ये बहुत महंगी। तब तो जरूर ही बेचोगे। नहीं रानी, कारीगर अपनी जिंदगी में जो सबसे सुंदर चीज बनाता है उसे बेचा नहीं करता। ये तुमने सबसे सुंदर चीज बनाई है? हाँ। कैसे? तुम्हें दिखती है? दिखती तो नहीं, पर इस मूर्ति को बनाते हुए मैंने अपने दिल के तारों से एक ऐसी झंकार सुनी जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं इसे कभी किसी को नहीं दूंगा। अच्छा जाओ, दे दी तुम्हें। चलो ये लो, आज का हार भी लो। नगरी में भैया मच गई राम सुहाई, नगरी में भैया मच गई राम सुहाई। आज देर हो गई। अरे आज क्या, तू तो रोज ही देर करके आने लगी है जम्मू, ये बात अच्छी नहीं है बेटा। इतनी सी देर में रोटी बनाई देती हूँ दादा। अरे रोटी तो मैं बना भी चुका तब की। फिर जलाई होंगी उसी तरह? एक भी नहीं जलाई, जा तू देख ले। देखूं? मुंह दिखाना जरा। ले तू देख ले पहले। अरे तेरा सारा मुंह मिट्टी में सना हुआ है,
किसी से मारपीट करके तो नहीं आई तू? आज ही आया था वो, क्या नाम है उसका? हाँ, वही तो कहने वाली थी मैं तुमसे। दादा आज उसने कमाल कर दिया। क्या? मेरी मूरत बना दी। अच्छा, काहे की? झूठ ही कहीं? नहीं दादा, सच कहती हूँ मैं। अरे सच कैसे मान लूँ मैं? और जो मानू तो ये कहो कि वो अंधा नहीं है। फिर कैसे बना दी मूरत? मेरे मुंह पर हाथ फेर कर देखता गया और बनाता गया। देखूं कहाँ है वो मूरत? उसे को ले गया वही। मूरत भी ले गया वही? उसकी आंखें होती तो न जाने कैसा कारीगर होता। बेटी तू ब्याह करेगी उससे? अंधे के साथ जिंदगी कैसे कटेगी बेटी? एक दिन हमें भी तो मिला उस जादू से। हाँ हाँ, तो क्या डर है? कल वो रोटी भी नहीं खाएगा। Thank you.
बदीने भैया मत राम दुहाई न बदीने भैया मत राम दुहाई। बड़ी पगली है बड़ी पगली। क्यों दादा? अरे उसे दिखाई थोड़ी देंगे ये तेरे तोरण और बंदरवाल। उसे सब कुछ दिखता है। तू ही उसे अंधा बताती है, तू ही उसके लिए घरवार सजाती है। पगली नहीं तो और क्या है? उसे दिखता ना होता तो वो मेरी बेटे से देख लेता। इस बात का जवाब नहीं है हमारे पास। यही तो बात है। ये बात है तो वो नदी भी तर आएगा शायद। ओहो बड़ी देर हो गई, वो बात दिखता होगा मुझे। रानी एक बात सुनो, बात आप और बात कान की बात है। का है? नहीं पीतल का है। अच्छा लगता रहा नहीं? तुम्हें तो दिखता है, देख लो। मालूम नहीं आंखों से कैसा दिखता होगा। चलो दादा को दिखाएंगे। मैं कहूँ सोने का। अच्छा तो तुम हो हरी? हरी किशन, हरी राम या हरिदास? बस हरी ही थी। अच्छा खास भी शादी है जमला। यहाँ बैठ जाओ, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी है दादा। भैया राजी तो हम बड़े हुए हैं तुम्हारे आने से। ये जम्बू तुम्हारे बड़े गुण गाते। मैं चिपका दूंगा, आप ही तो तुम अच्छे मालूम पड़ते। पर भैया एक बात कहूंगा। कहो दादा। बुरा मत मानना, जरा शौकीन मालूम पड़ते हो। ये बात मैंने भी कही थी, पर दादा ये तो पैसे कमाते हैं ना। मगर भैया गरीब को शौकीन नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, कुछ ठीक पैदा हुई है इन मूर्तियों के रोजगार में? आंखें होती तो बहुत देरी हो जाती। हाँ आंख है तो जहाँ। क्यों भैया कुछ इलाज माल जा? कुछ हुआ नहीं दादा। अरे बेटा यही मौजूद है बड़ा भारी अस्पताल, सेठ मोहन लाल है ना उनका, उनके लड़के की भी आंख जाती रही थी, उन्होंने एक बड़ा भारी डॉक्टर होकर रखा है। फाड़ का सब काम करता है, मगर पैसा भिड़ा एक से भी नहीं लेता। तो दिखा लिया होता। दिखाया था दादा, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। नसीब के खेल है भैया, नहीं तो हजारों अंधों के महल खोल दिए इन राम जी के प्यारों ने। ये तो बम्बई तक हुआ है। बम्बई? बहुत खर्च बैठा होगा। खाली रख दी। रख दी? चलो भाई खाली लगा दिए जमीन में। जरा संभल कर खाना, बेतौल मिर्चें डालती है जम्मू। आज तो बिल्कुल नहीं डाली। बिल्कुल ही नहीं डाली। दो चीजें
सौ कर दी, ऐसा पंगा नहीं था। हाँ बस यही बैठ जा। तो खाओ खाओ ना। तवा तो नहीं रख दिया कहीं? तवा नहीं है दादा। हाँ आजकल दम नहीं लगता। तम्बाकू तो नहीं पीते? नहीं दादा। पान खाते? भाई खाने पीने की तो बड़ी तकलीफ होती होगी तुम्हें। कुछ नहीं दादा। तुम इस झोपड़ी में ही आ रहे हो तो कैसे? जम्मू तुम्हारे लिए रोटी बना दिया करेगी। हाँ, इसमें क्या बात है? और मैं तो तुम्हारे मूर्ख देख आया करूँगा। वहाँ भी घर है दादा, और भी लोग हैं। जाती कौन कौन? ब्याह कर रखा है? नहीं जी, ब्याह तो कैसे होता मुझे, यही नाते रिश्तेदार हैं, कोई दूर का कोई पास का। उन्हें मुझसे मिला दो एक दफा, मैं समझा दूंगा। अच्छा मौका लगा तो मिला दूंगा। जल्दी है? हाँ दादा देर हो रही है, शुक्रिया। ये तुम्हारे घर है भैया, और इसमें जो कुछ है वो हाजिर। एक बात रह गई दादा। कहो कहो। आंखें होती इस घर को और घर वालों को देख लेता। तुम्हें भीतर की आंखें दी है भगवान, अच्छा मत सोचा करो। जमुना जारी उतार दे पास। हमें नहीं ले चलोगे साथ? नहीं, हम भी सैर सपाटा कर लेंगे तुम्हारी बदौलत, समझे कि नहीं? नहीं समझे, तुम जाओ। ये सख्ती भाई के ऊपर। तो तुम अकेले घूमने चले जाओ, मैं तुम्हें रोकता तो नहीं। तुम्हारे साथ चलूं तो क्या हर्ज है, चार आदमी की तो जगह है, समझे कि नहीं? हजार साल की उम्र हो बाबू, आपको बड़े सरकार याद कर रहे हैं अभी। जी हाँ अभी, तुम भारी तो खड़े हैं। बेटे सैर को जा रहे हो कहीं? जी आज नहीं जाओ तो? कुछ काम है बाबूजी। तुम्हारी सालगिरह है आज और मेहमान आने वाले हैं। 10 बजे तक तो लौट ही आऊंगा। पूजा तो 10 बजे से पहले ही शुरू हो जाएगी बेटे, और फिर खेल तमाशे देखना दिन भर रात भर। मैं कैसे देख सकूंगा? ओ जी आज लाला बालमुकंजी भी आएंगे, उनकी घरवाली और उनकी लड़की भी आएगी। अब मैंने खास तौर पर बुलवाया है उन्हें जी। और हाँ कपड़े अजीब से पहनने लगे हो, कुछ इन दिनों बदल लूंगा बाबू जी। आज जरूर बदल लेना, वो लोग देखेंगे जी। अभी तू ऐसे ही क्या करेगी चार रोज के रोज दादा?
वो तो आज भी नहीं आया। काम हो गया होगा, कोई हरज है मरज है सौ बातें हैं। वो कहता था ऐसा नहीं हो सकता कि ना कह दिया होगा। वैसे ही आजकल की दुनिया में कहा हुआ निपटा है किसी का। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। झूठ की बात नहीं, कुछ मूर्त मूर्त बनाने में लग गया होगा। कमाना खाना तो सभी के पीछे लगा हुआ है। कमाई के लिए नहीं रुकेगा। तो फिर तू ही बता क्यों नहीं आया। उसे दिखाई नहीं देता दादा, किसी मोटर मोटर के नीचे ना आ गया हो। अरे राम 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 राम, बुरी बात नहीं सोचा करते। आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। चल हार मूर्ति पर चढ़ा दे और अपने काम से लग। आ जा बेटा। हमारा तो यहाँ दिल्ली नहीं लगता, मम्मी जबरदस्ती करती। अगर उम्र भर यहाँ रहने के सामान पैदा हो गए तो क्या करोगी? What nonsense? दिल के मारे दिल धड़क रहा है। अरे तुम अभी तक यही मौजूद हो? मौजूद रहने के लिए तो आई है। तुम अशोक कुमार से मिली या नहीं? मैं उनसे मिल के क्या करूँगी मम्मी? जाओ उन्हें मुबारकबाद दो, सालगिरह का दिन है, दो बातें करो उनसे। भला मैं उनसे क्या बातें करूँगी मम्मी? ये लो, तुम्हें तो उन्हें कुछ भेंट देने वाली थी ना। ये काम तो इसी तरह हुआ करते हैं। तू इसे ले जा, शर्माती है। मम्मी ये क्या मुझे गोद उठा के ले जाएगी? आप भी कैसी बातें करती हैं। समझे कि वो बाल मकन वाली आ रही है, साथ में सहेलियां भी हैं। आइए आइए। अशोक, कमला देवी तुम्हारे लिए ये सोने चांदी की आंखें भेंट लाई है। मिजाज अच्छी। मैं आपसे सालगिरह पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आई। बड़ी कृपा की। आइए बैठे ना। आप तकलीफ ना करें, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। आप उठ गए तो उन्हें दिखलाएगा कौन? तुम तो महाभारत की गांधारी वाला नसीब लाई कर सकी, यानी कि सौ बेटे होंगे ये बार। मैं धृतराष्ट्र से शादी करूंगी तभी तो। नुकसान क्या है? मैं कहा इनका हाथ पकड़े टहलाती फिरूं। इतनी बड़ी रियासत की रानी बेटी, मैं क्या किसी भूखे नंगे की बेटी हूँ? ये रही सुंदर अपने घर के होंगे। ये लो आ गई, मिला ही अशोक कुमार से। नमस्ते करो बाबूजी से। जीती रहो जीती रहो, हमें बड़ी खुशी हुई तुम्हारे आने से। इस वीरान से घर में रौनक आ गई। इसे लखनऊ भेज के संगीत से खिलाया है मोहनलाल जी। अच्छा आज सुना दो बेटी, खुशी बढ़ जाएगी हमारी। जाओ कहाँ माना बेटी, जाओ जाओ। चलो बालू का नंदर बैठी, अब इस बुढ़ापे में क्या नाच गाना सुनोगी। लोताई धोगी, मैं बूढ़ा कहती हूँ तो तुनक जाती। कजरारी मतवारी मत भरी दो मखियां, पिया तोरी दो मखियां। कजरारी मतवारी मत भरी दो मखियां, पिया तोरी इन अखियन में बैठ के मैंने देखी सब दुनिया। पिया तोरी दो मखियां, कजरारी मतवारी मत भरी दो मखियां, पिया तोरी दो मखियां। Thank you.
चपल नैन चपला दिन चमके चंद्र कोर सी लच लच लचके अधर धरत पग धरन धरत इन नाचत है ब्रज नारी सतत पति दादि दिखे सतत पति दादि दिखे सतत पति दादि दिखे तेरी अखियल में चल चल सागर रूप के तर गया दियारा तोरे नैनन के नील कफन में हो गया मेरा हियरा हो गया मेरा हियरा मैं खोजू दिन रतिया पिया तोरी मतवारी मत भरी दो मखना कजरारी मतवारी मत भरी दो मखना या तोरी इन अखियन में बैठ के मैंने देखी सब दुनिया या तोरी दो मखना कजरारी मतवारी मत भरी दो मखना या तोरी कजरारी मतवारी मत भरी दो मखना मत भरी दो मखना मत भरी दो मखना यार रात भर के जागे समझे कि नहीं आप सो गए या घूमने जाओगे मैं कहीं जाऊं कुछ करूं तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो नहीं मैंने कहा घूमने जाते तो मैं साथ ही चला चलूं समझे कि नहीं गाड़ी मंगवाता हूं मैं आ जाओ नीचे हां क्या हुआ बेटी तुझे क्या बात है अरे तुझे क्या हो गया है बिटिया कहाँ है वो दादा जरूर वो किसी गाड़ी वाड़ी से टकरा गया होगा उसे ढूंढो घबरा मत बिटिया तुझे क्या मालूम कि उसे क्या हो गया है वो किसी काम में होगा बेटी नहीं दादा वो रुक नहीं सकता जरूर उसका कुछ बुरा हुआ है मैं जाती हूँ उसे ढूंढने चल तो चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ कहाँ चले मुझे तो पता भी नहीं मालूम उसका अरे तू रो क्यों रही है बेटा टक्कर वक्कर कहीं हुई होगी तो मोहनलाल के अस्पताल में होगा और तो कहीं हो ही नहीं सकता चल चल देख ले कैसा कैसा फिर मेरा दर्द रहा घबराओ मत कोई दिक्कत की बात नहीं ऑपरेशन हो गया जी हाँ बिल्कुल ठीक है मैं अशोक से मिल सकता हूँ हाँ आइए ना क्या है यहाँ कोई खिलौने वाला आया है
खिलौने वाला? क्या खिलौने वाला? अंधा है। अंधा है? बीमार है क्या? अजी ऐसा शुभा है कि कहीं गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गया होगा। क्या नाम है उसका? हरी। हाँ, अरे भाई यहाँ नहीं, जंगल बाहर में, वहां पूछो, वहां होगा। जाओ जाओ। चलो बेटा वही पूछ देखे। आओ आओ बेटा। बापू अभी चुप रहे पगली, उसके साथ इतने आदमी कहाँ से होते? वो तो बेचारा है, गरीब आदमी है। चल बेटा उधर ही ढूंढे जिधर उन लोगों ने बताया था। अरे तू रो मत बिटिया, अगर कहीं टक्कर वक्कर लगी होती तो यहीं आता, और तो कोई जगह है ही नहीं। दादा तुम घर जाओ। और तू? मैं उसे ढूंढूंगी। कहाँ? कहीं तो मिलेगा ही। पगली है तू, अरे उसे आना होगा तो वहीं आ जाएगा एक आध दिन में। चल घर चल बेटा। नहीं दादा, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, गली गली फिरूंगी, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तुम जाओ। पगली है तू, अरे सुन तो सही। अरे तू ना मिला। अबे मिलने को जमाने में भला क्या नहीं मिलता बेटा, किस्मत का लिखा मिलता है, चाहा नहीं मिलता ना बेटा। जाओ क्या निकाल। तुम्हारी
याद का ये दिल सहारा लेके बैठा है, मोहब्बत छूटने वाली नरमा टूटने वाले, दुनिया लूटने वाले, कहाँ है तू कहाँ है मेरी दुनिया लूटने वाले, दुनिया लूटने वाले। सारे अंधों को भुला कर मिठाई खिलवाओ, खुशी मनानी आती है तो आज मनाओ। डॉक्टर साहब, मेरे अशोक के नाम पर आंखों का एक बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाओ, ताकि मां बाप अपने बेटों की बुझी हुई आंखों का सदमा ना उठाए। हरी घर को रंग बिरंगे फूलों से सजाओ, अशोक आंखें खुले तो उसे हर तरफ रंग ही रंग नजर आए और उसे याद न रहे कि वो कभी अंधा था। फैसला करती हूँ शादी की तारीख का, आप फिर अंदर रहने छोड़िए। हाँ जाओ बेटी, अंदर जाओ। कौन? मैं कमला। क्या चाहिए? डॉक्टर साहब बाहर हैं, कहिए। जरा उन्हें बुलवा देंगे आप? कहिए ना, क्या बात है, मैं हूँ यहाँ। उनसे कहिए एक मिनट के लिए मेरी पट्टियाँ खुलवा दे, मैं फौरन बनवा लूंगा। फिर देख लीजिएगा, अभी तो मैं ठहरूंगी यहाँ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, इस कोने में रखी हुई मूर्ति को देखना चाहता हूँ। मैं तो नहीं समझती कि ये इतनी खूबसूरत है। हरी तुम छुप जा,
जाऊं क्यों? तुम नए आदमी हो ना, इसलिए मैं नया आदमी हूं, समझे कि नहीं? तुम सोचो मैं ऐसा निकला था। बंसरी नहीं, बीन बजाओ, तब आएगी, समझे कि नहीं? अरे देखने को नजर आता क्या कहीं, मैं पीछे की झील पर देखता हूं। रानी, आपके लिए दीवाना हुआ है क्या? समझे कि नहीं, पागल है क्या? नमस्ते रानी। कैसी रानी, कौन है तू? देखो रानी, तू तलाक से बात मत करो। हाँ, मैं तुम्हारे बाबू का दोस्त हूँ। कैसा बाबू, कैसी रानी? तुम्हारी नाराजगी भी सच्ची है, मगर रानी यहाँ प्यार मोहब्बत है, वहाँ दुनियादारी भी है, समझे कि नहीं? वो आ नहीं सका, मैं तुम्हें मनाने आया, मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? उधर मंदिर में। चलो चलो चलो। समझे कि नहीं? समझ के नहीं, ये बात है, के बाद ठीक है। एक तुम्हारे बाबू से मिलाने आया, अगर मैं मार दूं तो? बापू, बापू। क्या रे, क्या बात है? वो मंदिर के पीछे बुलाता है मुझे। कौन? वो रानी कहता है मुझे। है जा, निकाले देता हूँ जंकी, मैंने रानी के बच्चे ना। अरे अरे देखो, कुछ समझने की कोशिश करो। अरे भाई, मैं काम का हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ बाबा। अशोक कुमार। अरे भैया, मैं आदमी हूँ, की बोरी नहीं। भाई, अरे बात तो सुनो लंबरदार, तुम हो अशोक कुमार? कहते तो है, और रानी भी कहते हैं क्या दूसरों की लौंडियों से? कह भी देते चौधरी। अच्छा, मगर बात यह कि हम दादा और उसकी बेटी जमुना को ढूंढने आए हैं, उसका दूसरा नाम रानी। समझे कि नहीं? हाँ भाई, अरे भाई समझे तो सर, जब समझाए कोई। तुम्हें मालूम हो तो बता दो। नहीं तो ना सही। वो जो ठेकेदार था इस बात का, वही ना? हाँ वही। वो तो दोनों चले गए। चले गए कहाँ? चांदपुर। चांदपुर? ये क्या लारी जाती है यहाँ से? क्यों चले गए? क्यों क्या, लड़की पगली हो गई और बुढ़ा बीमार हो गए। मरवा दिया यार सुबह सुबह, प्यार तुम करो लौंडिया से और तमाचे हम खाते फिरे, समझे कि नहीं? माली मालों के हाथ से। मैं चांदपुर जाऊंगा। मैं चांदपुर जाऊंगा। क्या? मैं चांदपुर जाऊंगा। अरे लेकिन उस महबूबा को पहचानोगे कैसे? अंधेपन में तो प्रेम लगाया था, समझे कि नहीं? मेरे पास मूर्ति है, वो जो तुम्हारे कमरे में रखी है। अरे वो उससे तो क्या दुनिया की किसी औरत से नहीं मिल सकती। उसने खुद कहा था मेरे चेहरे से बिल्कुल मिलती है। अरे यार, जो ही बहलाया होगा तुझे प्रेम के मारे, उस वक्त कुछ कहने से मतलब हुआ करता है और क्या। मैं उसका चेहरा छूकर पहचान सकता हूँ।
कुछ धंधा है यार, समझे कि नहीं, कि दुनिया भर की लड़कियों के चेहरे पर हाथ फेरते फिरो और चांटे खाते फिरो रईस के बेटे होकर। मैं उसे सिर्फ आवाज से पहचान लूंगा। जी हाँ, आवाज तब तुम्हें दीवारों से आने लगी है, उस दिन हुआ कि नहीं? अरे यार छोड़ो इन मजनू वाली बातों को। वो मुझसे नहीं छूट सकती, मैं रानी के बिना चैन नहीं पा सकता। लेकिन फिर उस बाल मुकंद वाली का क्या होगा? अब तो भगवान ने आंखें दी हैं, खुद परख लो, पहचान लो। मैंने पहचान लिया, मुझे फूटी हुई आंखों से मोहब्बत की रोशनी दिखलाने वाले का जादू मेरे सर चढ़ गया। हरी, मेरे पास एक जगह थी, वो घिर गई। रानी की जगह अशोक की जिंदगी में और कोई नहीं पा सकता। मैं तो कह दूंगा साहू जी। दरवाजा बंद करो। जी। क्या कहा तुमने? जी। बोलते क्यों नहीं? जी समझे कि नहीं? मैं कुछ नहीं समझा है? किसकी लड़की बताई? मालिक। यानी यही ना कि अशोक एक मालिक की लड़की से प्रेम करता? जी। गलत है ये बात? हो सकता है, लेकिन मुझसे तो उसी ने कहा था, समझे कि नहीं? बड़ी खराब आदत है तुम्हारी ये समझे कि नहीं कहने की। छोड़ दो इसे, जब उसने तुमसे कहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने तो बहुत समझाया था जी, लेकिन वो समझा ही नहीं। तुम झूठ बोलते हो। झूठ हो तो अच्छा ही है ताऊ जी, लेकिन डर लगता है आपसे कुछ कहते हुए। कमाल है, खता करते हुए डर नहीं लगता और मुझसे बातें करते हुए कांप रहे हो। मेरी कोई खता नहीं ताऊ जी, मुझसे तो ये मैं कैसे मान लूं कि अशोक मेरा बेटा होते हुए अपनी जात की परवाह ना करे और मेरी इज्जत की परवाह ना करे? कहाँ है वो? ऊपर। जाओ दरवाजा खोलो। ये तो जानते हो ना, 15 साल से एक भले आदमी ने अपनी बेटी रोक रखी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए। यूं ही सही, एक अंधे आदमी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करते हुए कोई कुछ तो देखेगा। अब मैं अंधा भी नहीं हूं और अब मेरे लिए आपको अपनी दौलत की नुमाइश करने की भी जरूरत नहीं बाबूजी। लड़की ने आधी उम्र गुजार दी है तुम्हारी तरफ देख देख कर, अब तुम्हारा इनकार उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर देगा? मैंने उसे अंधों के एहसास की कसौटी पर जांचा है। ये लड़की अमीरी के नशे में चूर है बाबूजी, और मेरे और मेरे खानदान के लिए बेमेल है। तुम खानदान की बात कर रहे हो? क्या अपनी हरकत से तुम खुद खानदान के मुंह पर ठोकर नहीं मार रहे? जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? ये सच है, मैं चांदपुर जा रहा हूं। वो कहीं मिल भी गई तो ये उसे पहचानेगा कैसे? जी समझे कि नहीं, कहता था कि मैं उसे आवाज से पहचान लूंगा। अजीब होती जा रही है कहानी मेरी और मेरे बेटे की। लाला बाल मुकुंद आए हैं। कह दो उनसे कि मेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट आई है, वो देखने गया है दुनिया को। मालिक। मालिक, मैं वहीं आता हूँ। जी जाओ। ताजी। हरी। जी तुम उसके साथ जाओ बेटा। जी। हो गया हमारा
तुम जाओ के वही बेदर्द हो तुम वादों का जिन्हें कुछ पास नहीं जाओ के वही बेदर्द हो तुम वादों का जिन्हें कुछ पास नहीं हम है के तुम्हारे वादों पर दुनिया को भुलाए बैठे हैं वो पास नहीं मजबूर है दिल हम आस लगाए बर्बाद है दिल उजड़ा है चमन बेरंग हुई फूलों की फबन बर्बाद है दिल उजड़ा है चमन बेरंग सोजा अब मैं सीख रहा हूँ छाती मैं सीख रहा हूँ माफ कर दे रघुवीर तू मेरे पीछे पीछे ना फिरा कर इधर ऐसी लगनी बात तो कहा मत कर जमुना जी मैं तेरा दूल्हा हूँ तू मेरी बहू बनने वाली है ना तेरी अक्ल तो नहीं मारी गई लूलू 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 नहीं तो माँ तुझे फिर यहाँ लाई ही क्यों है यहाँ हाँ लौंडिया से भी तो पूछ लो आए हाय तुम तो चार दिन शहर में रह के फिरंगी हो गए पूरे लोहिया से क्या पूछोगे ब्याह तो उसी का होना है अजी लोंडियों से कोई पूछता है हमारी बिरादरी में मैं तो पूछूंगा ही इसी का तो फल है जब से वो मोटर लारी में से उतरी है तब से सारा गांव अंधे का नाम ले लेकर थुक पुकार रहा है उसकी तरफ को थुका करके और देख लो जो मैंने नाम लिया हो तो कब की उतरी हूँ उसमें से खबरदार रघुवीर की माँ जो मुझसे ऐसी बात निकाली लोग मुझे पर तो थूक रहे हैं तुम्हें क्या कसक है इसकी तू यूं कहने के नहीं लगी अंधे के पीछे क्यों कह दूं? मैं तो लगी और लगूंगी तुम रोकोगी तो रुकूंगी भी नहीं ए लो गधे को दिया नोन गधा कहे मेरी आंख फोड़े एक तो निकाल के ले आई उन दुखों में से मुझे तुम्हारी चालाकी मालूम हो जाती तो मैं पाँव भी नहीं रखती तुम्हारे घर में कोई कसर है हम माँ बेटों की साखी में हाथ बांधे खड़ा है मेरा रबगीरा मुझे नहीं बलवाने हाथ किसी से मैं चाहती हूँ कि शंकर अभी गाड़ी मंगवा दो जान नहीं मिलती गाड़ी वाड़ी गांव गोट में गाड़ी मंगवा दो मिलती बड़े नरम हाथ है तेरे तेरे सिवा और कौन है जहां मैं जानता था तू पहचानेगी एक दिन मुझे एक काम कर दे मेरा हुक्म लगा तू एक गाड़ी ला दे कहीं से अच्छा किचन कर जाऊंगी तू चुपटी बजा मैं अभी लाया गाड़ी उल्लू के बच्चे अपने आप को कुहारे मत मार अपने खुरों में आई, मर गई रघुवीर हाँ तेरा बड़ा एहसान हुआ मुझे मैं तो तेरा गुलाम हूँ तू बहुत बुरा है चल आओ जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगा बहुत दुखी मैं तो वैसे ही सताई हुई वो हाँ कर जा दादा अच्छा हो जाएगा तभी से पूछ के बताऊंगा पक्की रे अरे इसका तो आ गया वक्त अब मैं क्या करूं भैया गाड़ी वाले कुछ तो बता इसे शहर ले जाके किसी अस्पताल में भर्ती करवा दे पैसे ले जाओ रेल न जाने कहाँ है वो देख लारी आ रही है उसमें बैठ के उड़ जा ओ गाड़ी वाले भैया
गाड़ी वाले, ओ भैया ठहर जा, दो सवारी हैं इसमें। मैंने कहा बिरादर, कौन हो तुम, कहां के हो? चांदपुर का रास्ता यही है। तुम चांदपुर के रहने वाले हो? यहां कोई जमुना रहती है? जमुना? तो तुम उसका घर जानते हो? अरे हाँ हाँ हाँ, और तू चल इसमें आगे बैठना, जल्दी कर जल्दी कर। अरे आहा, आज तो प्यारे तूने हमारी बहुत मुश्किलें आसान कर दी, तुझे लड्डू खिलाएंगे, खाएगा ना? शाबाश। कौन सा जमुना का घर? यही है। तू जानता जमुना को? हाँ, जब बुला ला। वो तो गई गई हाँ किशनगढ़। और दादा? वो भी गया। कहाँ? किशनगढ़। तो तू लाया क्यों हमें यहाँ? अबे तू तो कहता था जमुना का घर यही है। घर तो यही है, वो ब्याह कर आएगी ना यहाँ। अरे उतार दे इसे, बेवकूफ। चल बाहर निकल, बाहर चल। दादा, सब किया, सब किया, जम्मो जम्मो। मैं तुझको किस पर छोड़ जाऊं? कौन है यहाँ तेरा? फिक्र मत करो बाबा, इसका कोई नहीं होता, उसका परमात्मा होता है। कौन है भगवान? बाबा ये राय साहब मुखलाल है। बिटिया मेरी बच्ची। बाबा जम्मो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कौन संभालेगा मेरी बच्ची को? कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा तुम्हारी बच्ची को। अच्छा, अच्छा। बड़े आदमी, बड़े सीधे किसी पागलखाने चलें तो कैसा है? नहीं जरूर, ये उसी की आवाज। एक एक करके मेरे सारे के सारे दांत निकलवाओगे क्या? मैं देखता हूँ। तुम ठहरो बाबा, फिर कहीं उलझ पड़ोगे, मैं देखता हूँ। जवानी जो मिलने लगे हैं, बचपन जवानी जो मिलने लगे हैं, मौसम बिना फूल खिलने लगे, फूल खिलने लगे हैं। छेड़ी किसी ने मेरे मन के बिना, छेड़ी किसी ने मेरे मन के बिना। गाऊं तो मुश्किल न गाऊं तो मुश्किल, जाऊं तो मुश्किल न जाऊं तो मुश्किल। उनके बुलावे पे डोले मेरा दिल।
अपने नए रंग लाए, नए रंग लाए। रजनी से वो नैनों में आए, मेरे सपने नए रंग लाए, नए रंग लाए। नाजों के पाले हैं मेरे सपने, नाजों के पाले हैं मेरे सपने। देखूं तो मुश्किल, दिखाऊं तो मुश्किल, जाऊं तो मुश्किल, न जाऊं तो मुश्किल। सुन के बुलावे पे डोले मेरा दिल। गाना सिखा सिखा के कोयल बना दी चुड़ैल, मैं रजनी रजनी पुकार रही हूँ, वो पुहो पुहो पुकार रही हूँ। जिले भर में ऐसी गाने वाली बिटिया और है क्या किसी की, तुम ही बताओ। अभी तक कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं मिलता। जरा सब्र करो, कोई कंदसिया मिल गया तो इसके हाथ नहीं पांव पकड़ लेगा। अगर आपकी लड़का ढूंढे बगैर वापस आए तो मैं उसे शहर पिला दूंगी अपने हाथ से। उलझी है कांटों में हाय चुनरिया, उलझी है हाय राम मेरी चुनरिया। छोड़ूं तो मुश्किल, छुड़ाऊं तो मुश्किल, जाऊं तो मुश्किल, न जाऊं तो मुश्किल। उनके बुलावे पे डोले मेरा दिल, जाऊं तो मुश्किल, न जाऊं तो मुश्किल, जाऊं। पापा जी, पापा जी। क्यों बेटी, क्या बात है, कोई साफ आप है क्या? वो देखो आदमी छुपा हुआ है। आदमी? जरान जी, ओ, कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग आदमी है, एक और बात, एक और। अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? भले मामा का बेटा हूँ। पापा जी सुनिए, पापा जी, पापा जी पहले सुन लो क्या कह रहा है बेचारा। नहीं पहले मारेंगे। पापा जी सुनिए, सुनिए भले। ये लो, खूब पीट लो जल्दी से, नहीं तो रेल छूट जाएगी। मार दे, तुम कौन हो जी? जी हम लोग मुसाफिर हैं, ये मेरा दोस्त। अच्छा जी, चोर चोर मकेरे भाई, ये सोचा होगा ये गद्दी बांध के फेंक देगा और तुम ना पकड़ाओगे। जी ऐसी बात नहीं, हम तो एक एक लड़की की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तो हमारी लड़की पसंद आई तुम्हें? जी पसंद कैसे आए, हम तो उस लड़की को चेहरे से नहीं सिर्फ आवाज से पहचानते हैं। तो मेरी आवाज पसंद आई तुम्हें? जवाब तो इस बात का, यानी यूं कहो कि मेरी लड़की की आवाज सुनकर अंदर घुसाए तुम। जी समझे के नहीं? समझ गए, हाथ सही समझ गए, शाबाश है तुम्हें। दोस्ती का हक किसी तरह निभाया करते हैं। एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, शादी से पहले इनके रजनी की माँ के पीछे हम लगे हुए थे जब ये इतनी बड़ी नहीं थी। ट्रेन कहानी सुनाने लगोगे तो रेल निकल जाएगी। हाँ भाई ये बड़ी मुसीबत है, रेल निकल जाएगी। क्यों जनाब, जहाँ आसपास कोई दूसरा किशनगढ़ भी है? ये आपको किसी रेल बाबू या डाक मुंशी से पता चलेगा। चलो समझे कि नहीं? मेरा गाना बहुत अच्छा लगा तुम्हें? मेरा रोना बहुत अच्छा लगा तुम्हें? मैं फिर गाऊं? मैं फिर रोऊं? तुम नाराज होकर जा रहे हो? हाँ। कुछ निशानी से देते जाओ। अरे ये क्या, पिता वो रोई तू? अम्मा सबको समझने वाला एक तो आदमी मिला, वो भी हाथ अटक कर चला गया। चलो रेल निकल जाएगी तो दूसरा भी नहीं मिलेगा। कोई चिट्ठी आई? जी नहीं, बाल मुक्त करता है। कर देते प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को।
देर के लिए तो भूल गया अपना। मुझे गाना तो नहीं आता रहता। तुम मुझे राय साहब ना कहा करो, बाबूजी कहा करो, जैसे सब लोग कहते हैं क्या कहा करोगे? बाबूजी। बिल्कुल इसी तरह बुलाती थी वो। कौन? मेरी एक बेटी थी, इतनी ही बड़ी जितनी कि तुम हो। मैं तुम्हें किरण कहा करूंगा, समझी? मैं तुम्हें किरण कहा करूंगा। रो मत, वो कभी नहीं रोती, बड़ी समझदार। भवानी, हमारी किरण हमें वापस मिल गई, याद है ना किरण? हाँ मालिक, पहले बहुत खिलाया फिर बहुत रोया। बस अब बहुत खिलाओ और बहुत हंसो, इसके लिए वही दर्जी बुलवाओ, वही नौकरानियां रखो, वही सब इंतजाम करो याद कर करके, समझे? मैं जरा डॉक्टर साहब से मिल लूं। डॉक्टर साहब से मिल लूं। ये ठीक क्लास क्या? प्राइवेटली पढ़ा लिखा कर सोशल साइंस का कोर्स पूरा कराने के लिए किरण को मैं मुंबई भिजवा देता हूँ। राय साहब, ये बिल्कुल ठीक ख्याल होगा आपका। किरण के साथ जाने के लिए उमदा की कंपेनियन तलाश करो। ये आज ही इंतजाम होगा। हाँ, और मुंबई लिख दो कि उसके लिए एक मकान का इंतजाम कर ले। जी बहुत अच्छा हुआ। वाने, और वाने, वाने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उसे खुद ही कह देता हूँ। कोई बात नहीं। क्यों रोती है? रो मत, मुश्किल से साल दो साल बाहर रहोगी, दिनों की तरह बीत जाएंगे। खूब पढ़ो लिखो, ऐसी हो के आओ कि हमें पहली किरण याद ना आए। कहो, ऐसा ही करूंगी। कहो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। बंबई को लिख के देता हूँ, गाना सिखाने वाली आ जाया करेगी, खूब सीखना। जब वापस आओ तो हमें भजन सुनाया करना। सुनाओगी ना? चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। इंतजार तू न मिला, बहार आए तो जाने, बहार तू न मिला, खुली जात जमाने कुछ कमी मिली, जला चिराग तो महकी बुझी बुझी मिली, मिली तो रोशनी लेकिन घुटी घुटी मिली, रह गई दिल की पुकार तू न मिला, तेरी तलाश में मायूस सुबह शाम गए, मेरी नजर से गुजर काम गए, फिजा के हाथ बारों के दीपाम गए, ये सितारों के घूंघट उठा। मालूम सुख किसे कहते हैं, अशोक की आंखें लौट आई, मैंने समझा दुख में दामन छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, मेरा दिन आ गया है कि
लेकिन अशोक नहीं आया। साहब मैंने आज फिर तार सिलवा दिया। तार तो कई जा चुके हैं लेकिन वो नहीं आया, नहीं आया। किस सुतरा है जी? किरण की कोई चिट्ठी आई है? जी हाँ आई। क्या लिखा है? तरक्की की रिपोर्ट लिखी है। जी हाँ, और ये लिखा है कि 11 तारीख को रेडियो पर गाऊंगी। लिखा 11 तारीख को गाएगी? हाँ हाँ, रेडियो पर। ऐसा आप लेट जाइए, आप तो आराम से सब कर लो। मालूम सुन भी सकूंगा कि नहीं? किसी क्यों ना सुन सकेंगे यार। कुछ खतरा है जी? और कुछ? जी हाँ, और लाला बाल मुकुल में शादी की तारीख तार से मांगी है। शादी? अच्छा तकलीफ का कुछ एहसास होता तो तुम खुद उनकी तकलीफ का सामान पैदा न करते। तुमने कभी अकेले बैठकर ये भी सोचा है कि तुम्हारे बाप ने कितनी कुर्बानियां की हैं तुम्हारे? तुम्हारी आंखें खराब होते ही ठीक जवानी में उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। अपने तमाम कर्मों को उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की मोहब्बत में बोला। किरण की मौत और तुम्हारे अंधेपन का सदमा ही उनके कुछ कम न था। फिर कहीं दूसरी औरत घर में आकर तुम्हें तकलीफ न पहुंचाए, इसलिए जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं की। न जाने उनकी कितनी खैरातों और कितने आंसुओं से पसीस कर भगवान ने तुम्हें आंखें लौटा, मगर आंखें खुल जाने के बाद भी तुमने उनके दुखों को न देखा। तुमने ये कभी जाना ही नहीं कि इतने कमजदा बाप के दिल में अगर ये चाहत तो अपने बेटे को खलता भूलता दे, उसकी शादी कर, उसके बच्चों को अपनी गोद में बिठा कर अपनी जिंदगी की बची खुशी घड़ियां खुशी से गुजार दे, तो ये कुछ ज्यादा चाहत नहीं। दीवानों की तरह दुनिया भर में तुम किसी आवाज के पीछे मारे मारे फिर रहे थे। तुम्हें ये ख्याल ही नहीं है कि तुम्हारे अपने घर में भी एक ऐसी आवाज मौजूद है जिसकी ताकत दम बदम कम हो रही है और जो किसी वक्त भी तुम्हारी दासी के बोझ से दबकर बंद हो सकती। अशोक आ गया ताऊ जी। अशोक आ गया। अशोक आ गया। मैं आ गया हूँ बाबूजी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अशोक मुझे हुक्म दीजिए बाबूजी, क्या आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूँ? अशोक मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। बेटा मैं बीमार आदमी, बिना शोर शराबा किए यहाँ से चले जाओ और बाल मुकम की लड़की को ब्याह कर घर में ले आओ। मरने से पहले मैं इस घर को आबाद देखना चाहता हूँ। जाओ जाओ। इकसठ दशमलव नौ आठ और 41.44 मीटर पर हम बम्बई से बोल रहे हैं। अब आप कुमारी किरण से एक भजन सुनेंगे। भजन के बोल हैं, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। ये क्या हुआ डॉक्टर जी? कुछ हिस्से सुनाई दे रहा है साहब।
क्षमा कीजिए, कल पुर्जों की खराबी के कारण आप कुमारी किरण का गाना न सुन सके। वो अपना भजन फिर शुरू करती है, कुमारी किरण। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का, आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। मैं पागल हूं क्या? यही बताओ करने के लिए शादी करने की मेहरबानी की है आपने? मैं क्या करूं कमला? सिर्फ क्या करूं कह देने से क्या होता है? ऐसी बेजा हरकत की है आपने कि मेरे माँ बाप को बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिर किस वजह से ये नाटक किया आपने फेरों के वक्त? खामोश। अच्छा, आप क्या समझते हैं मैं आपकी घुटियों से डरकर कोने में सुकड़कर बैठ जाऊंगी? मैं कोई खरीदी हुई अनपढ़ गंवार घूंघट में मुंह छुपाकर बैठने वाली बहू नहीं। मैं कोई भी बेजा बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो किसी की हो। बहुरानी, इसलिए खाना ले आया हूँ। सब सब कहाँ है? वो बड़े सरकार के पास बैठे हैं, वो नहीं खाएंगे। वो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आज की रात के बाद से नई जिंदगी का सवेरा होगा बहुरानी,
ये रात हंस खेल कर गुजारू। बदतमीज, मेरे बाप के बराबर जिसके मुंह पर तमाचा मारा है तुमने। तो क्या हुआ, तुमने मेरे बाप के मुंह पे मारा था, बदला लिया तुमने? क्यों ना लो, बदला ना लेने लायक तुमने कौन सा बर्ताव किया है मेरे साथ? शाम से बैठी खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब आधी रात को खबर आती है कि आप खाना ही नहीं खाएंगे। क्या ये मतलब है कि तुम घर के नौकरों पर हाथ उठा? आखिर क्या वजह है इसकी कि शादी की घड़ी से ही आप मेरी बेइज्जती करने पर उतारू हूँ और मैं खामोश हूँ? ना करो कमला, बाबूजी की तबीयत खराब है। खराब है तो मैं क्या करूं? हामी हुकुम है जो क्या हुकुम दूं, अपने ही हुकुम से अपने बेटे को फांसी दिए बैठा हूँ। कहाँ है भवानी, कहाँ है बेटी? कहाँ गई यहाँ से? मुझे नहीं मालूम। भवानी बाबू, बेटी कहाँ गई यहाँ से? यहीं थी बाबू। बेटी कहाँ कमला? मुझे नहीं मालूम। मूर्ति रखी थी यहाँ? मूर्ति कहाँ गई यहाँ से? मूर्ति कहाँ है कमला? मूर्ति कहाँ है मेरी? ये पेट उठाकर बराबर के कमरे में ले आओ। जी। ठहरो, इधर आओ। सरकार ये पलंग। बहुरानी। क्या बहुरानी, बहुरानी करता है? सरकार ये पलंग यहां से। ये काम मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा हुजूर। क्या कहा, नहीं करेगा? नहीं सरकार, मैं नहीं करूंगा। खुद चले जाएंगे। बहुत अच्छा। गाड़ी ला। गाड़ी तो हुजूर छोटे सरकार लेके गए। तो दूसरी गाड़ी ला। और किसी लाओ सरकार। आंखों को इन सुराखों से निकालकर इस बाग के मिट्टी में दबा दो, अब इन पुरानी बातों को भूल जाओ। समझे कि नहीं? दिल एक तरफ कर लो और फिर उसकी शक्ल तो तुमने देखी नहीं, और जब ये बात है भैया तो औरत औरत एक सी। ये गलत बात है हरी, मैंने देखा था उसे, इसकी एक भी बात उससे नहीं मिलती। इस तरह एक की जिंदगी तो शायद तुम बर्बाद कर चुके, अपनी कर रहे हो और इस कमला देवी की करके रहो। समझे कि नहीं भैया मेरे, अब तो तुम इसको निभाओ, चाहे रानी कहके चाहे जमुना कहके। ये नहीं हो सकता हरी, औरत के सीने में ना अपना दिल है न दूसरों के दिल को समझ सकने का दिमाग है। ये औरत औरत नहीं बल्कि एक चलती फिरती पत्थर की चट्टान मालूम होती है मुझे। मैं तो दे चुका उस फूल वाली को, अब अगर वो नहीं है तो मैं कंगाल हूं। उसकी याद के बगैर चलने के लिए एक सांस भी नहीं है मेरे पास। उसकी आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजा करती, चलते फिरते मुझे ऐसा महसूस हुआ करता है कि वो हर वक्त मेरे साथ साथ चल रही है। आपने बुलाया था बाबूजी? हाँ बेटा, ये खत दिखाना था तुम्हें। किसका? पढ़ लो, अब थोड़ी थोड़ी पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस बढ़ाते चलो। किरण का है। किरण का?
आपने कभी जिक्र किया? जिक्र कैसे करता बेटा, मुकद्दर ठोकने से फुर्सत भी तो मिले। इस लड़की को देखकर मुझे अपनी किरण याद आ गई बेटा, वैसा ही चेहरा, वैसी ही आवाज, उतनी ही छोटी, उतनी ही भोली भाली। मैंने इसका नाम भी किरण रख दिया। ये एक भजन गाती है बेटा, जिसे सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। भजन? शायद वो भजन तुम भी जानते हो। कभी कभी मैंने तुम्हें वैसा ही कुछ बजाते सुना है। मुझे? हाँ। भजन? हाँ, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी वो रेडियो पर भी गाई थी। उसने रेडियो पर गाया था? उसका असली नाम क्या था? असली नाम तो याद नहीं, हम उसे किरण ही कहते आए हैं। किसकी थी वो लड़की? ये तो अस्पताल में लिखा होगा, लेकिन वो उसका बाप नहीं, दादा था। दादा? दादा कहाँ का था वो? बिशनपुर या किशन? किशनपुर या किशनगढ़। क्या हुआ है बेटा? ये वही है, जरूर ये वही है जिसे मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या? बाबू की एक मिट्टी की मूरत धरती पर पटक कर फोड़ दी। अशोक, अशोक, वहां ना जाना बेटा, कहीं घर की आबरू चौराहे पर ना आ जाए। तू सच कहता था बेटा, ये मदहोश लड़की तेरे और तेरे खानदान के लिए बेजोड़ है। जिस चीज का खोट तूने अंधा होते हुए देख लिया, मैं इन आंखों से ना देख सका। मैंने तेरे बाप होते हुए तुझे जीते जी नरक में ढकेल दिया। अब मैं तुझसे कैसे माफी मांगू अशोक, कैसे माफी मांगू? आपको अपने बेटे को नरक में ढकेल देने का अख्तियार था, पर दूसरे की बेटी पर बिजली गिरा देने का अख्तियार आपको किसने दिया था? बेजोड़ लड़की को अपने खानदान में शरीक करने के लिए आप ही तो उसके बाप के पीछे पीछे फिर रहे थे। अगर बेटे को किसी कमीनी मालन से लगाव था तो मुझे ढककर लाने की आपको क्या जरूरत थी? हरी, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम बाबूजी का जरा ख्याल रखना। ये तार जल्दी भिजवा दो, अर्जेंट। जी। बेटा खाइए किरण बिटिया। बहुत अच्छा, तुम तो एकदम बदल गई। ये है किरण बिटिया भैया जी, मैं राय साहब का भतीजा हूँ, समझे कि नहीं? मेरा नाम हरी है। जी जी हरी। कौन कौन हो जी तुम? कौन हूँ मैं? पहचाना नहीं मुझे। सर मैंने पहचानता है, जानता। पापा जी वो है, मेरे हाथ पकड़ा तो हाथ झटक कर छुड़ा लिया और किसी और से बात ही कर रहा है। अच्छा, ए, तुम सामान लेके आओ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तो समझे कि नहीं? ताऊ जी से आपका नाम सुना था, वहां से तो बच के निकला है बच्चा जी, अब यहाँ आ गई। ये समझा होगा आगे किले में अब कौन ढूंढ सकता है। कौन है आप? मैं आपको नहीं पहचानता। नहीं पहचाना? भूल गए किशनगढ़ का झटका? पहचाना नहीं तो यहाँ स्टेशन पर क्यों आए? मैं आपके लिए नहीं आया, इनके लिए आया। इनके लिए? चुप करो जी से। ये कैसे चुप हो जाएगी, तुम्हें तो बोलना सिखाया इसे। कौन है ये तुम्हारी? जवाब दो जी। ये वो है ना, वो मेरे ताऊ जी रहता मोहनलाल, ये उनकी बेटी है।
मुंह बोली। नमस्ते। माफ कीजिए, किसी बात का ख्याल न कीजिए, सफर में गलतफहमियां हो जाती हैं, हमें तो इनसे सुलटना है। चलो जी, सामान उठवाओ। कहाँ ठहरेंगे आप? क्या ठहराओगे, वहाँ ठहर जाएंगे। रूही से ही देखा जाएगा, समझे कि नहीं, मैं तो कह दूंगा ताऊ जी से। आइए। जीती रहो। बापू जी, आपकी तबीयत खराब है। अच्छा, तुम आ गई, तुमने अच्छा किया। आपने मुझे लिखा कि मैं आ जाती तो आपसे। अब भी मौका है बेटा, अब भी मौका है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैंने इन्हें नहीं पहचाना बेटी, कौन है ये हरी? ताऊ जी, समझे कि नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं समझा जी, समझे कि नहीं? अरे कुछ समझाओ तो समझूं। जी जी, समझे कि नहीं ताऊ जी? क्या समझूं, बात यह कि अशोक की आंखें अच्छी हो जाने के बाद हम उस लड़की की तलाश में इसका पीछा कर रहे थे, और ये मालूम करके कि ये लड़की वो नहीं है, अशोक तो बच गया और ये सारे का सारा खानदान मेरे पीछे पड़ गया। भौनी, भौनी, बिटिया को ले जा, सफर की छुट्टी हुई है, ऊपर मत ले जाना, अशोक की माँ का कमरा खोल दे। जी आओ बेटी, आओ बिटिया। मजा अच्छा है। आइए आइए, आप भी तशरीफ लाइए। आइए। हाँ बिटिया। छोटे बापू पहले आंटी थी। हाँ बिटिया, एक दिन राम जी ने मोटर से टक्कर लगा दी, ऑपरेशन हुआ और एकदम अच्छे हो गए। अब वो कहाँ है? देखो ये कैसी बात हुई, पहले तुम आई तब भी वो परदेश गए हुए थे, और अब आई हो तो अब भी न जाने कहाँ चले गए। परदेश से आए तो शादी हो गई और उसमें तुम आ न सकी। हाँ शादी उसी दिन तो हुई है जिस दिन तुमने रेडियो पर गाया है। उन्होंने सुना था? ससुराल में ही सुना होगा। बिटिया रानी, ये कमरा बड़ी सेठानी का है, जिस दिन से वो सिधारी किसी को कदम नहीं रखने दिया बड़े सरकार ने, तुम बड़ी भगवान। कम करा दी। पर बड़े एहसान किए, अगर मेरे जरिए कुछ कम बट सकता तो हुक्म दीजिए। एक बात बताओगी? जी। सोगी? जी। क्या तुम मेरे अंधे बेटे को पहले से जानती थी? नहीं। क्या उसे तुमने कभी नहीं देखा? नहीं। और उसने? वो तो अंधे थे ना। मैं साफ ही पूछता हूँ, क्या तुम वो तो नहीं हो जिसके लिए मेरा बेटा दीवाना बना फिरता है? नहीं। तो तुम्हारा नाम क्या है? किरण। किरण, किरण, बेटी किरण। मेरी वापस भेजी बेटी भगवान ने, वो भजन सुनाओगी बेटी?
बहुत दिन हो गए सुने हुए। जरा तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी। ओ बुढ़ापे में कैसी खुदगर्जी और लालच के साथ सुख टटोलता है आदमी। कोई बात नहीं, सो जाओ, जब अच्छी हो जाओ तब सुनाना। अब सो जाओ बेटी। अशोक तुम कहां चले गए थे बेटा, मुझसे कह के चले जाते। हाँ किरण आ गई है, ये वो लड़की नहीं है, तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम खुद उससे मिल लेना, अभी वो सोई हुई है, उसकी तबीयत खराब है, समझे। आओ आओ मेरे साथ, आओ आओ बेटा। वही गाना गा रही थी। नहीं मुझे गाना नहीं आता। मैं तुम्हारे चेहरे पर हाथ रखकर देखूंगा। किरण दीदी की तबीयत कैसी है? अब तो अच्छी है। कहाँ है? हमें किसी ने बताया था
नहीं, क्यों को ऐसा हो गया? कुछ सूझा नहीं बहू रानी उस वक्त। अच्छा मैं देख के लेती हूँ। किरण दीदी, किरण दीदी, किरण दीदी, किरण, अरे इस तरह क्यों बैठी हो अकेले? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो जैसे किसी गैर की तरफ देखा करते हैं? पहचानती हो ना मुझे? नौकर भी कैसे बेहुदा है इस घर पर, किसी ने मुझसे कहा तक नहीं कि तुम आई हो। भले ये भी कोई भूलने की बात थी, मुझे मालूम होता कि तुम आई हो तो मैं तुम्हारे तकलीफ आराम देखती, तुम्हें अपने कमरे में रखती, वहां बातें करते, दिल बहलता। बड़ी फीकी फीकी दिखती हो, क्या हो गया था बेबी तुम? चलो तुम्हें अपने कमरे में ले चलो। अरे भाई तुम्हें नहीं मुझे तसल्ली होगी, चलो तुम्हें मूर्तियां दिखाऊंगी। आंखें अच्छी हो जाने के बाद कैसी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगे हैं वो। तुम चुप क्यों हो जाती हो? मैं तो बातें करने आई थी तुम्हारे साथ। मूर्तियां वो तब भी बनाते थे जब वो अंधे थे, मुंह पे हाथ फेरते जाते थे और मूर्तियां बनाते जाते थे। तुम क्यों रोने लगे? मैं तो हंसने आई थी तुम्हारे साथ। मैंने सुना है मेरे पति देव और ससुर पर तुम्हारा बहुत जोर चलता है, मेरी सिफारिश कर दो, मुझसे भी मुस्कुरा के बोल लिया करें। अरे हरकत मत करो बीबी, तुम्हारी तबीयत खराब है। हानी, क्या कहा? हानी, क्या कहा? हानी, पानी, पानी तुम्हें मैं पिलाऊंगी। बदकारी का चर्चा कर रहा है और थोड़ी देर में शहर का शहर करेगा, लेकिन तुम क्या ये समझती हो कि मैं इस बदनामी से डर कर चुपचाप अपने आदमी को तुम्हें सौंप दूंगी? तुम क्या ये समझती हो कि तुम मेरे माल पर फन फैलाए बैठी रहोगी और मैं तुम्हें दूध पिलाती रहूंगी? अंधे की कहानी की हीरोइन तुम नहीं हो फूल वाली, मैं हूं। नहीं बेटा, जहर नहीं होगा, कहीं भले घरों में ऐसी बातें होती हैं। अरे इस पानी को अस्पताल ले चले, डॉक्टर हो जाए पास। अरे ठहरो बेटा। नहीं हरी, बेटा अगर कहीं जहर निकल आया चार आदमी सुनेंगे, मट्टी खराब हो जाएगी। निकलेगा ही, मैंने खिड़की में से देखा, चोरों की तरह यूं देखा और झट से डाल दिया। मैं सब जानती हूँ, कमला दीदी ने किरण की जलन के मारे डाला होगा, ऐसे ही है वो। किरण बेबी के कमरे से धुआं धुआं निकल रहा है। कमला रानी, कमला Thank you.
लेकिन ये कमाल है, हर वक्त बेवक्त की अलापती रहती है। वो एरी, मैं तो प्रेम दीवानी बेवक्त की है। कनक मान जाओ, पापा जी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चल मान गया, तेरी वजह से बहुत बड़ा काम हुआ है, समझे कि नहीं? समझ गई। कोई बात नहीं राय साहब, घबराने की कोई बात नहीं, अशोक की आंखें अब ठीक हो ही जाएंगी। जी हाँ, आइए। मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे आंखें नहीं चाहिए। आंखें खोलकर मैंने जो तमाशा देखा वो बहुत दर्दनाक था, उसने मेरा दिल दुखा दिया, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। बागो, मुझे ना देखना चाहती हूँ तो मैं जाऊँ? नहीं रानी, ऐसा ना करना। अब इस बाहर की बर्बादी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में, मैं मर जाऊंगा। बागू, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द